नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे नोवा एक्सचेंज पर। कल एक न्यूज़ आई थी कि नोवा एक्सचेंज बंद होने वाला है 31 मार्च 2018 को, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप नोवा एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हैं या नोवा एक्सचेंज पर आपका बिटकॉइन है तो उस बिटकॉइन को आप कैसे विड्रा करें, या आप ट्रेडिंग करते हैं आपके पास डिफरेंट काइंड्स के काफ़ी कॉइन हैं जो कि आपके वॉलेट में अवेलेबल है, तो या तो आपको वो कॉइन सेल करना है या उस कॉइन को नोवा एक्सचेंज से किसी दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र करना है। जैसे बिटरेक्स हुआ, कॉइन एक्सचेंज हुआ, पोलोनिक्स हुआ, अगर वो कॉइन दूसरे एक्सचेंज पर अवेलेबल है तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, जैसा कि आप न्यूज़ देख रहे हैं कि नो एक्सचेंज 31 मार्च को बंद होने वाला है। जैसे हम क्लिक करेंगे उसके ऊपर तो ये जो न्यूज़ है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। आप देखिए इसमें जैसे कि नो एक्सचेंज जो है इसका जो ओनर है अभी वो चेंज होने वाला है, उसको जो नया ओनर्स मिलेगा उसको अभी, और मैनेजमेंट उसका जो इफेक्टिव होगा वो अप्रैल 2018 से होगा, यानी कि अप्रैल 2018 से नो एक्सचेंज के पास नए ओनर्स होंगे और मैनेजमेंट होगी जो कि उस वेबसाइट को हैंडल करेंगे, ठीक है। फॉर बेटर मैनेजमेंट इन्होंने सिक्योरिटी गाइडलाइंस दे रखी है तो उसको हमें फॉलो करना है डे टू डेट, ठीक है। 30 अक्टूबर को ये पब्लिक में इंफॉर्मेशन गई है और आज के दिन से इथेरियम और इथेरियम क्लासिक का डिपॉजिट होना यहाँ पर बैन कर दिया है नो एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 30 नवंबर तक इन्होंने डेडलाइन दे रखी है डिपॉजिट डिसेबल फॉर ऑल कॉइन, जितने भी कॉइन है उनका डिपॉजिट होना यहाँ पे बंद हो जाएगा और 3 वेरीफाई अकाउंट लेवल होंगे वहाँ से, ठीक है, यूजर्स के। नेक्स्ट है 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर के बाद कोई भी डिपॉजिट नहीं होगा वहाँ से, ठीक है। और उसके बाद 31 जनवरी को ईमेल रिमाइंडर सेंड किए जाएंगे सभी यूजर्स को कि अपना फंड जो है वो वहाँ से विड्रा कर लो। नेक्स्ट 31 मार्च को लॉगिन स्टॉप हो जाएगा जो ये वेबसाइट है इसमें, और वेबसाइट रिप्लेस हो जाएगी नए डोमेन के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद 15 अप्रैल को इसका सपोर्ट पैनल है वो भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कॉइन्स हैं, हम ट्रेडिंग इसमें करते हैं, हमारे वॉलेट में जितने भी कॉइन हैं, तो करना क्या है, तो सबसे पहले वॉलेट पर क्लिक कीजिए फिर बैलेंस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप बैलेंस पर क्लिक करेंगे आपके पास जितने भी कॉइन्स होंगे उनके वॉलेट्स ये यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो भी कॉइन आपने बाई कर रखा है उस कॉइन के सामने आप देखिए उसकी अमाउंट डिपॉजिट हो रखी होगी। तो हम एग्जांपल के तौर पर एरी कॉइन टाइप करते हैं राइट टॉप कॉर्नर में बॉक्स के अंदर, तो मेरे पास ये जो एरिलियम कॉइन है 109,600 इसमें अभी हैं, और इससे पहले मैंने कुछ ट्रांसफ़र किए हैं जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, विड्रावल हिस्ट्री में जा कर के, ठीक है। जैसे कि अभी 37 एरिलियम कॉइन सेंड किए हैं आज की डेट में, उससे पहले मैंने XVG ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं XVG के जो 35,999 है ये ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, दूसरे एक्सचेंज पर जा चुका है, ठीक है। इस तरह से XVG की स्मॉल स्मॉल अमाउंट मैंने फर्स्ट में चेक किया था कि डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं, तो आज मैं आपको लाइव डिपॉजिट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए एरिलियम कॉइन हमने टाइप किया, ठीक है, उसके बाद एरिलियम कॉइन यहाँ पे आपको टाइप करना है ERY, ठीक है, लेफ्ट साइड में प्लस का मार्क्स डिपॉजिट, राइट में माइनस विड्रा, तो विड्रा पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम विड्रा पे क्लिक करेंगे यूअर एरी एड्रेस, तो यहाँ पे वो एड्रेस होगा जहाँ पर हम जिस एक्सचेंज पे हम सेंड करेंगे। तो जैसे कॉइन एक्सचेंज पर एरिलियम कॉइन अवेलेबल है तो कॉइन एक्सचेंज पर हम लॉग इन करने के बाद उस पर बैलेंस पे क्लिक करेंगे, अकाउंट राइट साइड टॉप कॉर्नर पे देखिए आप बैलेंस पे क्लिक करेंगे, बैलेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एरिलियम कॉइन दिखाई दे रहा है कि इसमें एरिलियम कॉइन है मेरे पास ये काफ़ी कम अमाउंट में, ठीक है, 45 एरिलियम कॉइन ऑलरेडी अवेलेबल बैलेंस में यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एरिलियम कॉइन का राइट साइड में आप देख रहे हैं 37.9 पेंडिंग डिपॉजिट है, तो आपको राइट साइड में एक्शन पे क्लिक करना है डिपॉजिट पे। जैसे डिपॉजिट पे एक्शन में डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे यहाँ से ये एड्रेस है आपको कॉपी करना है, ठीक है, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो अभी यहाँ से कॉपी कीजिए इस एड्रेस को, फिर नो एक्सचेंज पर जाकर के विड्रा एरिलियम में इस एड्रेस को पेस्ट करना है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद विड्रावल अमाउंट में मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रहा हूँ 100 ओनली, ठीक है, 100 एरिलियम कॉइन ओनली, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पिन कोड आपको डालना है और पासवर्ड अपना एंटर करना है, ठीक है, पिन कोड और पासवर्ड जो आपका नो एक्सचेंज का है। फिर उसके बाद विड्रा एरी पे जो रेड कलर का जो बॉक्स देख रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करना है आपको, ठीक है, जैसे पासवर्ड एंटर कर दिया हमने, उसके बाद
विड्रा एरिपेम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट है उसको सेंड करने से पहले एक बार एड्रेस चेक कर लेना, ठीक है। जैसे एड्रेस वेरीफाई हो गया, दोबारा विड्रा पे क्लिक किया तो ग्रीन कलर में विड्रॉल रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड चेक योर ईमेल, ये मैसेज आ जाएगा। फिर हमें अपना ईमेल चेक करना है, ठीक है। ईमेल के ऊपर एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तब उसके बाद हमारे पास जो नो एक्सचेंज से कॉइन है एरिलियम कॉइन वो कॉइन एक्सचेंज पर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको जो एरिलियम कॉइन का जो ईमेल है अपने ईमेल में जाकर वहाँ से आपको वेरीफाई करना, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र का एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके एरिलियम कॉइन दूसरे एक्सचेंज पर पहुँच जाएंगे और आपके जो कॉइन है वो सेफ रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपके पास बिटकॉइन अवेलेबल है आपके वॉलेट में, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ BTC, ठीक है, जैसे BTC टाइप किया तो यहाँ पे वॉलेट में अभी कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा है नहीं, तो प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस के चिन्ह पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना बिटकॉइन का एड्रेस डालना है, जैपे का हो, यूनो कॉइन का हो या ब्लॉकचेन का हो, कोई भी आपका बिटकॉइन का जो एड्रेस है वॉलेट का वो यहाँ पे आपको पोस्ट करना है, पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद पिन कोड डालना है, पासवर्ड डालना है और विड्रा BTC, जैसे विड्रा BTC पे क्लिक करेंगे आपके पास 2 से 4 घंटे के अंदर आपका जो बिटकॉइन है वो आपके दूसरे वॉलेट में चला जाएगा और उससे पहले आपको ईमेल कन्फर्म करना है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।